इस जश्न के माहौल में डूबा है क्योंकि पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर एक बार फिर कांस्य पदक लेकर आई है। उनके पिता यहाँ पे राम सिंह भाकर यहाँ मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे आज, प्राउड का मोमेंट है, पूरा देश गर्व कर रहा है और खासतौर पर माता पिता पे। बहुत खुश है और मनु के आगे के इवेंट के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि भाई वो जल्दी एक अगले टूर्नामेंट के लिए तैयारी करें, अगला मैच के लिए जो अभी 2 दिन के बाद में है। तो यहाँ पे बहुत खुशी का माहौल आप देख ही रहे हो, आप सब भी खुश हो, पूरा देश खुश है। तो सभी देशवासियों का आशीर्वाद और प्यार से ही संभव, उसका सभी का धन्यवाद। भाकर साहब आपने मेहनत भी बहुत की है, कठिनाइयाँ भी बहुत आई है, इंस्ट्रूमेंट जो तो काफ़ी महंगे होते हैं, खासतौर विदेशों से मंगाया जाता है, बहुत तरक्की की है मतलब मनु ने और काफ़ी संघर्ष भी आपका रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? तरक्की बहुत की है मनु ने, संघर्ष उसके पीछे आप लोग क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए स्ट्रगल तो बहुत होता ही है, स्ट्रगल तो करते बच्चे, स्ट्रगल होने के बाद में ये पॉसिबल है। अदरवाइज जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मुझे सब कॉर्नर से, कोचेज से, पेरेंट्स से, गवर्नमेंट से, फेडरेशन से, ओजीक्यू से, जसपाल कोच से, सबसे बहुत सहयोग मिला और बहुत अच्छा लगा। आप खुद देश की सेवा में हैं, ऐसे में बेटी से मिलने का बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन मनु कहती थी जब भी पिताजी मिलते मोटिवेशन मिलता है, बात हुई बेटी से मनु भाकर से? अभी तो नहीं हुई, कल शाम को हुई थी। और मोटिवेशन तो इसलिए कि कोई भी बच्चे को यही कहते हैं हम, तो भाई स्क्रैच से शुरू करो, सेटबैक तो आते रहते हैं, खेल में हार जीत भी होती रहती है। और तो आप मनु दूसरे गेम में जाने वाली थी लेकिन आपने शूटिंग में लेकर आया आप? नहीं, मनु पहले तांग था और फिर बाद में मार्शल आर्ट कराटे करती थी, तो 10th में हुई तभी मन हमने नहीं थोपा उस पर, वो खुद ने चूज किया था कि ये ट्राई कर लो। मैं ऐसे में लेके गया था, मैं कहा रेंज में चलो आप शूटिंग ट्राई कर लो, अपने स्कूल में शूटिंग भी है। तो जब हम अपने गांव गोरिया में थे, जब स्कूल में थे तभी यूनिवर्सल स्कूल में पढ़ती थी मनु, तो वहाँ पे शूटिंग रेंज थी, तो मैं कहा उसमें लेके गया था उसने। आज क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को और ख़ासतौर पे खिलाड़ियों को जो नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं और उनके माता पिता को? मैं तो यही कहूँगा अपने बच्चों से कम 15 मिनट बात किया करो और उनके थोड़ा सा यदि वो सही, उनकी सही बातें ज़रूर माननी चाहिए, नाजायज मत मानो लेकिन सही बातें ज़रूर माननी चाहिए। और खेल ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो खेल और पढ़ाई दोनों चीज़ होना चाहिए हर बच्चे को, कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेल भी हो जाए तो अच्छा है। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है, पूरे देश भर से बधाई आ रही है, आपके पास किन किन का बधाई आ गया? मुझे किन किन का बधाई आ गया ये अभी तो फ़ोन ऑन करूँगा तब पता चलेगा, अभी क्योंकि फ़ोन बंद था और जैसे ही मेडल जीता मीडिया से मैं बात करने लगा तो फ़ोन देख नहीं पाया हूँ, तो लगातार आ रही है, आप देख रहे हो फ़ोन बराबर बज ही रहा है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रामकृष्ण भाकर ये हैं मनु भाकर के पिता, जो आज पूरे खुशी का माहौल है, इसमें उन्होंने बताया कि आज देश में प्राउड का मोमेंट है क्योंकि उनकी बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। फरीदाबाद से ईटीवी भारत के लिए मुकेश कुमार।